Hello everyone, in this video we are going to study a new chapter that is named as 5.5 wishes means 5.5 ichchaein. So हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर वो 5.5 ichchaein कौन सी हैं, इसे कौन मांगता है और वो कैसे पूरी होती हैं. Bhuvan's parents had just moved to Chikmagalur from Bangalore. They had been waiting for a long time to get away from the pollution, noise, traffic and fast-paced life. They thought Bhuvan, being only 6 years old, would adjust with ease to life in a small town. But Bhuvan was far from pleased. He did not like the children in his school from the first day. His friends in Bangalore had been so smart. Here everybody wore unsmart clothes, spoke in Kannada and carried curd rice to school. He decided that he was not going to like this place at all. In this passage, there is a boy whose name is Bhuvan. Bhuvan's parents, जो Bhuvan's के parents हैं, जो उनके उसके माता पिता हैं, had just moved to चिकमगलर. और उन्हों वो तुरंत ही तुरंत बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, वो उनको कुछ ही दिन हुए हैं जब वो बेंगलोर से चिकमगलर आए हैं. उन्होंने वहाँ से ट्रांसफ़र उनका हुआ है तो वो चिकमगलर आए हैं. कहाँ से आए हैं? बेंगलोर से आए हैं. दे हैड बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. और वो क्या कर रहे थे? बहुत दे हैड बीन वेटिंग, वो इंतज़ार कर रहे थे. फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय से. किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो? To get away from the pollution, noise, traffic and fast-paced life. दूर होने का इंतज़ार कर रहे थे pollution से, प्रदूषण से, noise से, बहुत शोर शराबे से, जैसे कि सिटी में बहुत ज़्यादा शोर होता है, ट्रैफिक जाम लग जाता है. एंड फास्ट पेस्ड लाइफ, जो इतनी भाग दौड़ भरी जो लाइफ होती है, इतनी भाग दौड़ भरी जो ज़िंदगी होती है बड़े बड़े शहरों में, उससे वो दूर जाना चाहते थे. बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे. एंड एट लास्ट they moved. They thought Bhuvan, being only 6 years old, would adjust with ease to life in a small town. और उन्होंने क्या सोचा? They thought Bhuvan, being only 6 years old. तो जो भुवन है वो केवल 6 साल का है, तो वो बहुत ही ease के साथ, बहुत ही easily, बहुत ही आराम से adjust कर लेगा उसको to life in a small town. छोटे शहर में रहने के लिए आदत वो डाल लेगा, अपने आप को एडजस्ट बहुत आसानी से कर लेगा, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है 6 साल का. बट भुवन वॉज फार फ्रॉम प्लेज, लेकिन जो भुवन था वो खुशी से, प्लीज, खुश होने से बहुत दूर था. मीन्स उसे जरा सी भी खुशी नहीं हुई थी. वाई वॉज नॉट हैप्पी? ही डिड नॉट लाइक द चिल्ड्रेन इन हिज स्कूल फ्रॉम द फर्स्ट डे. जो उसके स्कूल में जो बच्चे थे, जो न्यू स्कूल में उसके जो बच्चे थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था. और कब से नहीं करता था? फ्रॉम द फर्स्ट डे, पहले दिन से उन्हें वो बच्चे, उससे वो बच्चे पसंद नहीं थे भुवन को. हिज फ्रेंड्स इन बेंगलोर हैड बीन सो स्मार्ट. उसके जो बेंगलोर के स्कूल के जो फ्रेंड्स थे, जो उस बेंगलोर के स्कूल में जो उसके वहाँ पे स्कूल में बच्चे हुआ करते थे, वो कितने स्मार्ट हुआ करते थे. एंड हियर एवरीबडी वोर अन स्मार्ट क्लोथ्स. और यहाँ पे चिकमगलर के स्कूल में जो बच्चे होते थे वो कोई भी स्मार्ट क्लोथ्स नहीं पहनते थे, बहुत ही ऐसी कॉमन यूजुअल सा कपड़े वो पहन लेते थे, कोई भी स्मार्ट नहीं लगता था. स्पोक इन कन्नड़, और वो लोग जो उनकी लैंग्वेज थी वो कन्नड़ में बोलते थे सभी लोग. एंड कैरीड कर्ड राइस टू स्कूल, और इवन स्कूल में वो लोग दही और चावल लेके आते थे, कर्ड एंड राइस लेके आते थे एज अ टिफिन. ही डिसाइडेड that he was not going to like this place at all. तो उसने decide किया, उसने ये निश्चय कर लिया भुवन ने कि वो इस place को, वो इस जगह को बिल्कुल भी पसंद नहीं करने वाला है at any cost. Now let's see the second para. Bhuvan looked so unapproachable that no child dared to come and talk to him. As a result, even after a week in a new school, he had no friends. Bhuvan was not used to games. He could not run as fast as the others in his class. He did not know how to ride a bicycle. Madhav could even ride an adult cycle. All this made
Bhuvan hate the place even more. Now in this passage, अब इस चूंकि भुवन को यहाँ पे आ तो गया था, उसे नया स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, ना तो उसके फ्रेंड्स उसके स्मार्ट लगते थे, तो वो इतना अनअप्रोचेबल होता था बाकी सारे बच्चों से, मीन्स कि वो किसी से वेलकमिंग नहीं था उसका नेचर, वो किसी से बात नहीं करता था, किसी को अपने से बात करने नहीं देता था, वो इतना ज़्यादा रिजर्व सा रहता था. तो जो भुवन था वो इतना अनअप्रोचेबल लगता था दैट नो चाइल्ड डेयर टू कम एंड टॉक टू हिम. तो कोई भी स्कूल का जो बच्चा था उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती थी, हिम्मत नहीं करता था कि वो उसके पास आए और उससे बातें करें. एज अ रिजल्ट, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या निकला, इवन आफ्टर अ वीक इन द न्यू स्कूल, अपने नए स्कूल में एक वीक, वन वीक बीत जाने के बाद भी, एक हफ्ते बीत जाने के बाद भी, ही हैड नो फ्रेंड्स, उसके पास कोई भी फ्रेंड नहीं था, उसका कोई भी दोस्त नहीं बन पाया था. क्यों? क्योंकि उसका जो नेचर था वो अनअप्रोचेबल था, वो नॉट वेलकमिंग था, वो बिल्कुल भी रिजर्व रहता था, किसी से खुद से बात नहीं करता था. भुवन वॉज नॉट यूज टू गेम्स, और उसे भुवन को गेम्स की भी आदत नहीं थी, खेल खेलने की भी आदत नहीं थी, क्योंकि जो उसका सिटी, वो बहुत बड़े शहर से आया था, तो उन्हें छोटे छोटे गेम का पता नहीं था. He could not run as fast as the others in the class. ना तो वो दौड़ सकता था उतनी तेज जितने की क्लास के दूसरे बच्चे दौड़ते थे. He did not know how to ride a bicycle. उसको ये भी नहीं पता था कि कैसे साइकिल चलाई जाती है. माधव could even ride an adult cycle. और एक स्टूडेंट था उसी क्लास में, माधव जिसका नाम था, वो यहाँ तक कि अडल्ट साइकिल चला लेता था, जो कि बड़े बड़े लोगों की साइकिल होती है, उसको भी वो राइड कर लेता था, उसको भी चला लेता था. और जो भुवन था उसे एक नॉर्मल साइकिल भी चलानी नहीं आती थी. ऑल दिस मेड भुवन हेट द प्लेस इवन मोर. और ये सब बातें मिलाकर उसे और भी हो गई थी कि जिससे ये इस जगह को वो और भी ज़्यादा हेट करने लगा था, इस जगह को और भी ज़्यादा वो नफरत करने लगा था. उसे ये सब बातों के कारण भी ये जगह अच्छी नहीं लगती थी. भुवन हैड मेड हिमसेल्फ क्वाइट अनपॉपुलर विथ हिज बिहेवियर. The other children in his class had a good time laughing at him. Some children were jealous of his expensive things and would taunt him because he wouldn't share anything. तो जो भुवन था उसने अपनी इन आदतों के कारण had made himself अपने आप को बना लिया था quite unpopular, बिल्कुल ही unpopular, वो बिल्कुल भी class में अपने behavior के कारण, अपनी आदतों के कारण, अपने व्यवहार के कारण बिल्कुल भी वो अनपॉपुलर था. वो कोई भी बच्चा उसके बारे में बात नहीं करना चाहता था, उसे के साथ नहीं रहना चाहता था, बिल्कुल भी वो क्लास में पॉपुलर नहीं था जैसा कि दूसरे बच्चे होते हैं. द अदर चिल्ड्रेन इन द क्लास हैड अ गुड टाइम लाफिंग एट हिम. और जो क्लास के जो बाकी बच्चे हुआ करते थे वो क्या करते थे, उसके बारे में बात कर करके उसके ऊपर हंसा करते थे, उसका मजाक उड़ाया करते थे. Some children were jealous of his expensive things. और क्लास के कुछ बच्चे थे जो कि उसकी महंगी महंगी एक्सपेंसिव चीजों में, क्योंकि वो बड़े शहर से आया था तो उसके पास बहुत सारी चीजें होती थी जो वो बहुत महंगी होती थी, कॉस्टली होती थी, तो उन महंगी चीजों से वो बच्चे जलते थे, जेलस होते थे. एंड वुड टॉन्ट हिम बिकॉज ही वुड नॉट शेयर एनीथिंग. और जब अगर वो अपनी चीजों को उनके साथ शेयर नहीं करता था तो वो उसको टॉन्ट करते थे, उसको व्यंग करते थे, उसके ऊपर कमेंट पास करते थे. तो ये सब चीजें उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी. भुवन वॉज क्वाइट मिजरेबल, ही वॉन्टेड टू टीच देम ऑल अ लेसन. तो इन सारी बातों से वो बहुत ही ज्यादा मिजरेबल हो गया, बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, दुखी हो गया इन सब बातों से, क्योंकि सब उसका मजाक उड़ाते थे, सब उसको टॉन्ट करते थे, कोई उसे बात नहीं करता था, उसे सब चीजें पसंद नहीं आती थी, तो वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया, मिजरेबल उसकी कंडीशन हो गई. He wanted to teach them all a lesson. अब वो चाहता था कि वो सबको एक सबक सिखाए. One evening at home he was crying and talking to himself. I wish I was smarter than everybody else in my class. I wish I could recite any poem in the world and count up to 1,000 without stopping. I wish I could run faster than everybody else. I wish I could ride a bicycle. I wish. He said, wringing his hands in despair. As he said, I wish, for the second time, he got a faint fragrance in the room
and there was a strange glow on his study table. As Bhuvan went closer, he saw a small man attired like a king. The man was an adult, but only 6 inches tall. He was wearing a gold crown and a lot of jewelry. His face was handsome but had a sense of arrogance. "Hello, Bhuvan," he said. "I am the Gandharva of 5 and a half competitive wishes. I help anybody who wishes to be better than everybody else and make 5 and a half wishes at a time." Bhuvan was wonderstruck. He rubbed his eyes and pinched himself. The Gandharva was for real. Bhuvan noticed that the Gandharva had 5 and a half fingers. "You want to outsmart everybody, don't you? It will happen," said the Gandharva with a gleam on his face. अब क्या था, जो भुवन था वो बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था, बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया था. तो एक दिन वो शाम को अपने घर में बैठ के क्या कर रहा था, he was crying and talking to himself. वो रो रहा था और अपने आप से बात कर रहा था. और क्या कर रहा था कि I wish I was smarter than everybody else in my class, कि काश मैं अपनी क्लास में सबसे ज़्यादा स्मार्ट बन जाऊँ. I wish I could recite any poem in the world and count up to 1,000 without stopping, कि काश मैं संसार में कोई भी पोयम हो, मैं उसको रिसाइट कर सकूँ, उसको बोल सकूँ, एंड काउंट अप टू 1,000 विदाउट स्टॉपिंग, और बिना रुके 1,000 तक की काउंटिंग कर सकूँ, 1,000 तक की गिनती गिन सकूँ. I wish I could run faster than everybody else, कि काश मैं दूसरों से ज़्यादा तेज दौड़ सकूँ. I wish I could ride a bicycle, कि काश मैं साइकिल चला सकूँ. I wish. और ऐसा कहते हुए उसने अपने दुख में अपने जो हाथ थे, अपने जो हैंड्स थे, उसको ट्विस्ट कर लिया, मोड़ के रख लिया. As he said I wish for the second time, और जैसे ही उसने I wish को दोबारा बोला, दूसरी बार बोला, he got a faint fragrance in the room and there was a strange glow on his study table. और जैसे ही उसने I wish दोबारा बोला, वैसे ही उसकी जो रूम था वो एक फ्रेगरेंस से, एक खुशबू से भर गया, और वो फ्रेगरेंस जो थी वो फेंट कर देने वाली थी, बिल्कुल बेहोश कर देने वाली थी. देयर वॉज अ स्ट्रेंज ग्लो ऑन हिज स्टडी टेबल, और उसकी जो स्टडी टेबल थी जिसपे वो बैठ के पढ़ाई करता था, उस पर एक अजीब सी, एक स्ट्रेंज तरह की ग्लो थी, चमक आ गई थी. एज भुवन वेंट क्लोजर ही सॉ अ स्मॉल मैन, और जब उसके पास गया भुवन तो देखता क्या है, वहां पे एक छोटा सा आदमी है. अटायर्ड लाइक अ किंग, और उसकी जो ड्रेसिंग थी वो बिल्कुल भी एक किंग की तरह, एक राजा की तरह वो ड्रेस्ड था, बिल्कुल कपड़े पहना हुआ था. द मैन वॉज एन अडल्ट, जो मैन था, जो छोटा सा आदमी था, वो था तो एक अडल्ट, एक बड़ा आदमी था, बट ओनली 6 inches टॉल, लेकिन जो उसकी हाइट थी, उसकी ऊंचाई थी, वो केवल 6 inch की थी, केवल 6 inch लंबा था. ही वॉज वेयरिंग अ गोल्ड क्राउन एंड लॉट ऑफ ज्वेलरी, उसने अपने सर पे एक सोने का मुकुट पहना हुआ था और खूब सारी ज्वेलरी, बहुत सारे गहने पहने हुए थे. हिज फेस वॉज हैंडसम बट हैड अ सेंस ऑफ एरोगेंस, उसका जो चेहरा था वो बहुत ही सुंदर था, लेकिन उसके चेहरे पे एक घमंड की झलक दिखाई पड़ रही थी, कि जैसे वो बहुत ही घमंडी हो. हेलो भुवन, ही सेड, उसने कहा, उसने भुवन को हेलो बोला और बोला, आई एम द गंधर्व ऑफ 5 and a half कॉम्पिटिटिव विशेस, कि मैं जो हूँ वो गंधर्व हूँ, और कैसा गंधर्व हूँ, जो 5.5 प्रतियोगी विषयों इच्छाओं का गंधर्व हूँ, मैं 5.5 प्रतियोगी इच्छाओं को पूरा करने वाला गंधर्व हूँ. गंधर्व क्या होते हैं, जो देवी देवताओं की तरह होते हैं, जो नेचुरल चीज़ों को प्रोटेक्ट करते हैं, उस तरह से. आई हेल्प एनी बडी हु विशेज टू बी बेटर देन एवरीबडी एल्स एंड मेक 5 and a half विशेज एट अ टाइम, और उसने आगे क्या बोला, कि मैं हर उस इंसान की, मैं किसी की भी मदद करता हूँ जो ये चाहता है कि वो बाकी सभी लोगों से बेटर हो जाए, वो बाकी सभी लोगों से अच्छा हो, और एक साथ एक समय पर 5.5 इच्छाओं को मांगता है. भुवन वॉज वंडरस्ट्रक, जो भुवन था अब ये बातें सुनकर तो एकदम ही कंफ्यूज्ड सा हो गया, एकदम बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हो गया. ही रब्ड हिज आईज एंड पिंच्ड हिमसेल्फ, उसने अपनी आईज को मला, अपने आंखों को मला, और अपने आप को एक
पिंचिंग किए, चुटकी काटी, क्योंकि उसको ही वॉज नॉट रेडी टू बिलीव दैट इट इज रियल. उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये सब जो है उसकी आंखों के सामने हो रहा है, ये सब कुछ रियल है. तो उसने अपने आप को विश्वास दिलाने के लिए अपनी आंखें मली और अपने आप को चुटकी काटी. द गंधर्व वॉज फॉर रियल, तो जो गंधर्व था वो सचमुच में था. भुवन नोटिस्ड दैट द गंधर्व हैड 5.5 फिंगर्स, और भुवन ने ये भी नोटिस किया, उसने ये भी देखा कि जो गंधर्व था उसकी 5.5 उंगलियां थी. नॉर्मली हम लोगों की 5 फिंगर्स होती हैं, लेकिन उसकी 5.5 फिंगर थी. यू वॉन्ट टू आउट स्मार्ट एवरीबडी डोंट यू, तो गंधर्व ने क्या कहा कि तुम बाकी सभी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होना चाहते हो, क्या ऐसा नहीं है? इट विल हैपन, ऐसा ही होगा, सेड द गंधर्व विथ अ ग्लीम ऑन हिज फेस. ऐसा तो गंधर्व ने ऐसा कहा कि जो तुम चाहते हो, मीन्स कि जैसे तुम बाकी सभी लोगों से ज़्यादा स्मार्ट होना चाहते हो तो ऐसा ही होगा. और ऐसा कहते वक्त जो गंधर्व था उसके चेहरे पर एक अलग ही तरह की ग्लीम थी, एक शाइन थी. भुवन वॉज थ्रिल्ड एंड वॉज अनएबल टू गेट मच स्लीप दैट नाइट. ही वॉज एक्साइटेड एंड एनेक्शियस अबाउट द नेक्स्ट डे. तो अब जो भुवन था, जब उसको ये विशेष मिल गई थी, उसको बोन मिल गया था गंधर्व से, तो वो बहुत ही ज़्यादा थ्रिल्ड हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था. क्यों एक्साइटेड था? क्योंकि उसके पास वरदान था, बोन था गंधर्व का, कि वो जो ऐसा चाहता था वैसा ही होगा. तो उस रात को वो अनेबल हो गया, वो बिल्कुल भी रात को अच्छे से सो नहीं पाया उस रात को. ही वॉज एक्साइटेड एंड एनेक्शियस अबाउट द नेक्स्ट डे. वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था, बहुत ही ज़्यादा उत्साहित था और इम्पेशेंट हो रहा था. बिल्कुल भी उसको इंतज़ार नहीं हो रहा था कि कैसे दूसरा दिन आए और वो अपने वरदान को, जो अपना जो बून उसे मिला था गंधर्व से, उसको चेक करे कि वाकई में क्या वो रियल था या नहीं. द नेक्स्ट मॉर्निंग इन स्कूल दे हैड अ लेसन ऑन मॉस्किटोज. देयर वॉज अ स्मॉल एक्सरसाइज वेयर अ चाइल्ड हैड टू प्रिटेंड टू बी अ मॉस्किटो एंड अनदर हैड टू चेज इट विथ अ फ्लिट पंप. भुवन सडनली फाउंड हिमसेल्फ सेइंग इट इज इनकरेक्ट टू यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिकॉज दे क्रिएट अ होल इन द ओजोन लेयर एंड कैजुअल ग्लोबल वार्मिंग एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग. मिसेस आचार्य स्टॉप्ड शॉर्ट इन हर ट्रैक एंड ग्लेयर्ड एट हिम. शी जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड. वेल वॉट एल्स कैन बी यूज, शी आस्क्ड ड्रायली. नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स, साइट्रोनेला ऑयल एंड फ्यूमिगेटेड Marigold petals are organic and effective, said a puzzled Bhuvan, who could neither believe nor understand what he was saying. Some of the children started giggling. Somebody has been teaching you to be extra smart. Maybe the principal can reverse the process, she said sternly. Why should anybody teach me anything? I am pretty informed myself, said Bhuvan. By now, fervently wishing that the Gandhar would stop working his magic. अब क्या होता है, जब वो नेक्स्ट डे होता है तो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या होता है, स्कूल में एक लेसन होता है उनको, उनकी क्लास में पढ़ना होता है, जो कि मॉस्किटो के ऊपर होता है, मच्छरों के ऊपर होता है. और उसमें उनको एक एक्सरसाइज छोटी सी करनी होती है, जिसमें कि एक चाइल्ड को मॉस्किटो बनना होता है, मॉस्किटो की तरह प्रिटेंड करना होता है, नाटक करना होता है, और एक दूसरे बच्चे को उसको पकड़ते हुए फ्लिट पंप से, फ्लिट पंप क्या होता है, मच्छरों के पीछे पीछे छिड़काव करने के लिए होता है, जिससे कि मच्छर भाग जाए, और दूसरे बच्चे को फ्लिट पंप यूज करने का नाटक करना था, प्रिटेंड करना था. भुवन सडनली फाउंड हिमसेल्फ सेइंग, तो अचानक भुवन को लगता है कि वो क्या कह रहा है. इट इज इनकरेक्ट टू यूज क्लोरोफ्लोरोकार्बन बिकॉज दे क्रिएट अ होल इन द ओजोन लेयर एंड कॉज ग्लोबल वार्मिंग. तो अचानक से लगा भुवन को कि जैसे उसने ये कहा कि ये बिल्कुल भी गलत है, कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन को यूज़ करना बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, ओजोन जो लेयर होती है उसमें होल हो जाता है इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण, और इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है. तो जो उनकी टीचर थी मिसेस आचार्य, तो अचानक से जब भुवन के मुँह से ऐसी बातें सुनती हैं तो मिसेस आचार्य स्टॉप्ड शॉर्ट इन हर ट्रैक्स, तो जो वो पढ़ाती जा रही होती हैं वो अचानक से भुवन की बातें सुनकर रुक जाती हैं एंड ग्लेयर्ड एट हिम, और उसकी तरफ देखती हैं. शी जस्ट डिड नॉट नो हाउ टू रिस्पॉन्ड, वो बिल्कुल से एक सेकेंड के लिए एकदम शॉक सी हो जाती है, और उनको पता नहीं होता, कोई भी आइडिया नहीं होता है कि उनको कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए भुवन की इस बात का.
वेल वॉट एल्स कैन वी डू, शी आस्क ड्रायली. तो वो थोड़ा गुस्से से थोड़ा रूडली वो पूछनी है, तो फिर उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं. नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स, साइट्रोनोला ऑयल एंड फ्यूमिगेटेड मैरीगोल्ड पेटल्स आर ऑर्गेनिक एंड इफेक्टिव. सैड अ पजल भुवन. तो जो भुवन था फिर उस पर तुरंत आंसर देता है कि हम उसकी जगह पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करने की बजाय हम लोग नीम बेस्ड पेस्टिसाइड यूज कर सकते हैं. पेस्टिसाइड्स क्या होता है, जो कीटनाशक होता है जो इस तरह के इंसेक्ट्स को भगाने के लिए यूज होता है. तो हम नीम से बने हुए पेस्टिसाइड्स को यूज कर सकते हैं या फिर साइट्रोनेला ऑयल का यूज कर सकते हैं. और इसके साथ ही साथ हम चाहें तो जो मैरीगोल्ड की पेटल्स होती हैं, जो मैरीगोल्ड फ्लावर की जो पंखुड़ियाँ होती हैं, उसको जला के उनके धुएं को यूज़ कर सकते हैं. तो ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो ऑर्गेनिक हैं, जैविक हैं, कोई भी इसमें केमिकल का यूज़ नहीं होता है और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है. इससे बहुत ही अच्छा प्रभाव भी पड़ता है, तो हमारी जो ओजोन लेयर है उसको भी इफेक्ट नहीं होगा. सेड अ पजल्ड भुवन. तो ऐसा किसने कहा, ऐसा ये जो था जो सजेशन दिया वो भुवन ने दिया. और भुवन खुद भी पजल्ड था, वो खुद भी एकदम से शॉक था कि वो आखिर बोल क्या रहा है ऐसा. खुद हु कुड नीदर बिलीव नॉर अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज सेइंग. क्योंकि उसे क्या था, वो खुद से भी विश्वास नहीं कर पा रहा था और ना ही वो समझ पा रहा था. ना तो उसे विश्वास ही हो रहा था कि वो ये सब बातें बोल रहा है और ना समझ पा रहा था कि आखिर वो कह क्या रहा है. क्योंकि जो भी वो बोल रहा था वो तो सिर्फ गंधर्व के मैजिक के कारण हो रहा था. सम ऑफ द चिल्ड्रन स्टार्टेड गिगलिंग. तो कुछ बच्चे जो थे जो उसकी क्लास के थे उसकी बातें सुनकर उसके ऊपर गिगलिंग करने लगे. गिगलिंग होती है हंसना किसी के ऊपर, तो वो उसके ऊपर हंसने लगे. समबडी हैज बीन टीचिंग यू टू बी एक्स्ट्रा स्मार्ट, मे बी द प्रिंसिपल कैन रिवर्स द प्रोसेस, शी सेड स्टर्नली. तो बहुत ही ज्यादा उन्होंने स्ट्रिक्टली, उसकी टीचर ने जो मिसेस आचार्य थी, बहुत ही स्ट्रिक्टली उन्होंने भुवन से बोला कि ऐसा लग रहा है कि कोई तुमको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, कि तुम बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहे हो. तो हो सकता है जो ये जो आप तुम्हारा प्रोसेस है एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने का ना, तो प्रिंसिपल हो सकता है इस प्रोसेस को पलट सके, रिवर्स कर सके. मीन्स कि वो तुम्हें अच्छे से सिखाएंगे कि कैसे दूसरों को क्या सिखाया जाता है. व्हाई शुड एनीबडी टीच मी एनीथिंग, आई एम प्रिटी इन्फॉर्म्ड माई सेल्फ, सेड भुवन. तो इस पे तुरंत ही भुवन क्या कहता है कि कोई मुझे क्यों सिखाएगा, मैं खुद ही अपने आप में बहुत ज्यादा मुझे नॉलेज है, मुझे सब कुछ पता है, तो कोई मुझे दूसरा कोई क्यों सिखाएगा. बाय नाउ फर्वेंटली विशिंग दैट द गंधर्व वुड स्टॉप वर्किंग हिज मैजिक. और इस समय वो पूरी तरह से ये चाह रहा था, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था कि काश, और बहुत ही ज्यादा इच्छा कर रहा था कि काश गंधर्व है वो अपना मैजिक जो कर रहा है वो स्टॉप कर दे, रोक दे. क्योंकि वो जान रहा था वो उल्टी फुल्टी बातें किया जा रहा है तो उसको पनिशमेंट मिल सकती है. तो उसको लग रहा था कि काश इस समय गंधर्व जो है अपना मैजिक वो स्टॉप कर दे. मिसेस आचार्य ड्रैग्ड भुवन टू द प्रिंसिपल्स रूम. शी वॉज फ्लस्टर्ड बिकॉज शी हैड नॉट डेल्ट विथ एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. She explained the situation to Mrs. Hegde, the principal. Yes, Bhuvan, she said kindly. You seem to know a lot more than you should at your age. What all do you know? I know the inner workings of an atom and believe I can unlock the secrets of the universe, said Bhuvan, wishing he could disappear. इसके बाद क्या हुआ, क्योंकि जो मिसेस आचार्य थी वो बहुत ही ज्यादा एंग्री हो गई, बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गई और उन्होंने ड्रैग करते हुए उसको घसीटते हुए भुवन को प्रिंसिपल के रूम में ले गई. वो शी वॉज फ्लस्टर्ड बिकॉज शी हैड नॉट डेल्ट विथ एनीथिंग लाइक दिस बिफोर. वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज सी थी, उनको क्योंकि कुछ पता ही नहीं चला कि आखिर कैसे हैंडल करें, क्योंकि उससे पहले उन्होंने किसी ऐसे केस को हैंडल नहीं किया था, उनके सामने ऐसा पहले कभी किसी बच्चे ने बिहेव नहीं किया था. शी एक्सप्लेन द सिचुएशन टू मिसेस हेगड़े द प्रिंसिपल. तो उन्होंने सारी सिचुएशन को मिसेस हेगड़े के सामने, जो कि उसकी प्रिंसिपल थी, सारी सिचुएशंस बताई कि क्या और कैसे हुआ. यस भुवन, शी सेड काइंडली. तो उन्होंने बहुत ही प्यार से पूछा, बहुत ही कि हाँ भुवन बताओ, तुम्हें लगता है कि तुम अपनी एज से ज्यादा बहुत कुछ जानते हो, तो बताओ तुम क्या क्या जानते हो. आई नो द इनर वर्किंग्स ऑफ एन एटम एंड बिलीव आई कैन अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स, सेड भुवन, विशिंग ही कुड डिसअपीयर. तब भुवन ने क्या कहा कि मैं जानता हूं कि एटम्स जो होते हैं, जो चीजों से मिलकर, जिन एटम से मिलकर चीजें बनती हैं, वो कैसे काम करते हैं, मुझे ये भी पता है और मुझे विश्वास है कि
कि मैं चाहूं तो पूरे ब्रह्मांड का जो सीक्रेट से जो रहस्य है मैं उसको भी अनलॉक कर सकता हूं, मैं उसके रहस्य को भी जान सकता हूं, मुझे इतना पता है। भुवन ने कह तो दिया लेकिन वो विश कर रहा था मनी मन कि वो काश यहाँ से गायब हो जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता था कि ये सब गंधर्व के मैजिक के कारण वो बोलता जा रहा है। मिसेस हेगड़े ऑलमोस्ट फेंटेड। शी वॉज टू पजल्ड बाय भुवन्स बिहेवियर। इट सीम्ड अनरियल एंड नो बडी न्यू हाउ टू डील विथ। तो इस पे जो प्रिंसिपल थी, जो मिसेस हेगड़े थी, वो एकदम लगभग से वो एकदम फेंट हो गई, बेहोश सी हो गई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज थी, पजल्ड थी भुवन के बिहेवियर से। इस बिल्कुल भी अनरियल उनको लग रहा था, बिल्कुल भी सच लग ही नहीं रहा था, क्योंकि ऐसा कभी उनके पहले उन्होंने ऐसा कभी किसी बच्चे को डील ही नहीं किया था, उनके सामने कभी ऐसे बच्चे ने बिहेव ही नहीं किया था। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज सी वो खुद हो गई थी। द होल क्लास वॉज एगॉग विथ जोक्स ऑफ भुवन। विजडम, वॉट डू यू थिंक भुवन इज अप टू नाउ? कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री और शेक्सपियर? मे बी ही इज कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ हिज बाथ टब। और एज यूजल जो सारी जो क्लास थी उसके इस बिहेवियर के ऊपर उसके हंसने लगे, उसके बुद्धिमत्ता पे जो उसकी जो दिमागदारी वाली वो बातें कर रहा था उस पर उनको बहुत ही ज़्यादा हंसी आने लगी, और आपस में वो सब बातें करने लगे कि अब तुम्हें क्या लगता है कि अब भुवन क्या करेगा? हो सकता है वो ज्योमेट्री की बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करे, या फिर हो सकता हो वो शेक्सपियर के बारे में पढ़ रहा हो। तो किसी ने बोला नहीं नहीं हो सकता है कि मे बी ही इज कंप्यूटिंग द वॉल्यूम ऑफ हिज बाथ टब। हो सकता हो कि अपने बाथ टब का पूरा वो वॉल्यूम निकाल रहा हो, उसको काउंट कर रहा हो, मैथ सॉल्व कर रहा हो। तो मींस उसको सब उसका टॉन्ट करने लगे, उसका सब मजाक उड़ाने लगे। सो वी विल स्टडी ओनली दिस मच इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर।